कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? भैया हम तो लल्लन टॉप है। अब यहाँ ध्यान दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सवाल पूछ रहा, अगर इससे पहले वाला क्लास अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो ये सवाल पहले गलत होने वाला। अगर गलत हुआ तो समझ लेना है आपको फिर से इससे पहले वाला क्लास कंप्लीट करना है। हाँ मैं मानता हूँ वो क्लास जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, लेकिन स्टार्टिंग का अगर 10 मिनट नहीं समझ रहे हो ना, फिर भी अगर 10 मिनट समय दे दोगे, 10 मिनट के बाद आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ में आने लगेगा। इस बात को समझ के चलना, बिकॉज वहां पर हम लोग फ्रैक्शन का बात किए हुए, और फ्रैक्शन अगर आप नहीं पढ़े हो तब दिक्कत होने वाला। अगर फ्रैक्शन को ठीक से पढ़ लोगे ना तो वो 10 मिनट भी आपको देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से सब कुछ आसानी से समझ पाओगे अगर फ्रैक्शन ठीक से पढ़े होगे तो। अब यहाँ ध्यान दोगे, भैया जी आप सवाल पूछ रहे थे, आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर भैया जी ये सब क्वेश्चन क्या लिखे हुए हैं इस पर अभी आपको कोई ध्यान नहीं देना, जो मैं यहाँ सवाल पूछ रहा उस पर ध्यान दो। आप बताओगे क्या -2/5 और 7/8 क्या ये दोनों जो है मेरा भिन्न है, क्या ये दोनों मेरा फ्रैक्शन है, ये बताओगे? क्या यहाँ पर जो दोनों है क्या दोनों मेरा फ्रैक्शन है, इसके बारे में आपको बताना। तो तुरंत बोलोगे भैया कल तो हमको आप सिखाए थे फ्रैक्शन के लिए तीन चीज होना बेहद जरूरी है, पहला बटे में होना चाहिए, देख रहे हैं यहाँ पर -2/5 है, यहाँ पर 7/8 है, अर्थात p/q के रूप में तो दोनों है। हाँ भैया p/q के रूप में दोनों है। कल का क्लास समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से मुझसे पूछ लेना, इस बात को समझ के चलना। अब यहाँ ध्यान दो, सेकंड क्या कंडीशन था, हम ये देखेंगे कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हर जीरो हो जाता ना तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी निकलता है। कैसे? आप जीरो से 7 में भाग दोगे ये कभी पूरा पूरा नहीं खाएगा, इसलिए अगर नीचे में जीरो रहेगा तो उसका मान इन्फिनिटी, मतलब आप मान नहीं निकाल सकते हो। इसलिए हमेशा जब भी फ्रैक्शन रहेगा आपके सामने या रेशनल नंबर रहेगा, हमेशा कोशिश करेंगे जो भी डिनोमिनेटर है वो जीरो ना हो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। हाँ भैया समझ चुके हैं। अब हम जब भी देखेंगे ना नीचे जीरो तो पहले बोलेंगे इसको साइड करो, ये मेरा कोई काम का नहीं। बिल्कुल यही अपने दिमाग में रखना है, अर्थात नीचे में जीरो होगा ना है नीचे में जीरो, अर्थात क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, अर्थात ये भी सही है। वाह ये हुई ना बात। हाँ जी एक और तीसरा कंडीशन था कि -2/5 7/8 अर्थात ऊपर वाले संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों मेरा हॉल नंबर होना चाहिए फ्रैक्शन के लिए। अब आपको तो पता है हॉल नंबर का होता है। हाँ भैया हॉल नंबर उसी को ना कहते हैं, किसको कहते हैं? अगर इस टोकरी में अगर सिर्फ हॉल नंबर को रखे तो क्या रखेंगे, जीरो से स्टार्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह के नंबर को इसके अंदर हम लोग ऐड करने वाले। बहुत अच्छी बात, ये सब हमारा हॉल नंबर है। अब देखेंगे क्या इसके अंदर -2 मौजूद हो रहा, तो भैया -2 इसके अंदर तो मौजूद नहीं है, अर्थात ये -2 मेरा हॉल नंबर नहीं है, अर्थात ये जो है मेरा भिन्न नहीं हुआ, और 7/8 हमारा फ्रैक्शन हो गया, बिकॉज ये फ्रैक्शन नहीं है। इस बात को समझ के चलना, क्यों फ्रैक्शन नहीं हुआ ये, क्योंकि यहाँ पर -2 आ गया, और फ्रैक्शन के लिए हम लोग जानते हैं p और q मेरा बिलोंग करना चाहिए होल नंबर में, लेकिन यहाँ पर जो p है अर्थात जो -2 है वो तो मेरा होल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा, अर्थात ये फ्रैक्शन नहीं है हम लोग का। 7/8 की बात करेंगे तो यहाँ पर 7 और 8 दोनों मेरा होल नंबर में बिलोंग कर रहा, तो ये 7/8 जो है हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। आया ना मजा? हाँ भैया ये तो हम लोग कल पढ़े ही थे। अच्छा इस पर जो है ना फिर से सवाल देखा, अच्छा देंगे सवाल, घबराओ मत, पहले हम लोग कुछ नया सीखते, ठीक है? इसको समझ के चलना, हम कभी बीच में इसे सवाल आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए इसको ऑलवेज ध्यान में रखना है। चलो जी अब हम लोग पहला सीखने वाले, कोई भी हम लोग को रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, रेशनल नंबर हम लोग जान रहे हैं ना, जैसे आप बताओगे वही दो संख्या -2/7 और 6/8 है, शायद कुछ अलग संख्या ले लिए, हाँ कुछ अलग संख्या ही लिए हैं, क्या ये बताओगे क्या ये दोनों जो है मेरा परिमेय संख्या है? तो बोलोगे भैया आप क्या पूछ दिए, हाँ दोनों क्या मेरा रेशनल नंबर है? ओ मेरे प्यारे भैया रेशनल नंबर तो हमका ना पढ़ा है, देख लो कहाँ लाल हो जाएगा। कल का लेक्चर में हम लोग रेशनल नंबर फ्रैक्शन सिर्फ इसी को समझाने के लिए कल का पूरा लेक्चर हम लोग इसके पीछे लगाए गए हैं, अगर रेशनल नंबर नहीं सीखे हो तो कल का लेक्चर फिर से देखना। हाँ भैया बिल्कुल हम देखा नहीं सीखा, यहाँ ध्यान दो, मतलब फिर से वही फंडा है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन भी हम लोग देखे थे, क्या पहला चीज फिर से p/q के रूप में होना चाहिए, देखो p/q अर्थात बटे के फॉर्म में होना चाहिए, बटे के फॉर्म में होना चाहिए, क्या ये बटे के फॉर्म में है, क्या ये बटे के फॉर्म में है?
अर्थात दोनों मेरा पति के फॉर्म में है, अर्थात पी बटे क्यू के रूप में तो है। बिल्कुल सही बात। उसके बाद कभी भी बटे के नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। इस बात को अपने दिमाग के किसी एक छोटे से कोने में बैठा करके संजो के रख लो कि जब भी भिन्न रहेगा या जब भी मेरा रेशनल नंबर रहेगा उस कंडीशन में मेरा डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, बिकॉज उसका वैल्यू ही नहीं निकलता। हाँ, ऊपर अगर जीरो है तो उसका मान जीरो होता है। इसको भी समझ के चलना, इसमें आप गलती करते हो। जीरो बटे सेवन आपको कुछ और निकलता है, सात गुना जीरो आपका कुछ और निकलता है। इसलिए इस सब चीज पर ध्यान देना है आपको। जीरो एक ऐसा संख्या है ना, अगर मान लीजिए दो में जोड़ रहे हैं तो जीरो कुछ ना कर, इससे सीधा साधा कोई है ही नहीं। घटाओ में भी इससे सीधा साधा कोई है ही नहीं, ये कुछ करता ही नहीं। दो में घटा कुछ नहीं, दो का दो रह गया। दो में जुटा कुछ नहीं, दो का दो रह गया। लेकिन जैसे ये गुना में आवत है, जैसे ये भाग में आवत है, तो ये अपना रौद्र रूप दिखाता। मतलब गुना कर रहे सबको अपने ऐसा बना लेगा, सब जीरो बन जा, कोई नहीं रहेगा, सब मेरे तरह बनेगा, जीरो जीरो जीरो। अर्थात जीरो से गुना सब जीरो बना देता। भाग में तो अलग कहा नहीं चलता, अगर जीरो ऊपर में है तो इसको जीरो बना देगा, अगर जीरो नीचे में है इसका वैल्यू कोई निकाल ही नहीं सकता। लो, जीरो एक ऐसा इफेक्ट डालता है ना गुना और भाग में, आप सोचोगे हाँ ऐसा होता होगा। अभी फिर अभी आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जब हाँ जब आप स्टार्टिंग में क्लास फाइव में क्लास सिक्स में जब इस चीज को सीख रहे होंगे ना, तो वहां पर अरे ये क्या हो गया, हाँ ऐसे कैसे हो गया। अभी भी आप शायद गलती करते हो, मैं आपका कॉपी चेक कर रहा था, वहां पर मैंने गलती देखा था, तो इस गलती को आप सुधारोगे। ठीक है, चलो हम लोग ये बता रहे थे क्या ये दोनों मेरा परिमेय संख्या है। तो आप तुरंत बोलोगे मेरे प्यारे भैया सुनिए, यहाँ ध्यान दीजिए, अपने बाजुओं को उठाइए और बोलिए ये बटे के फॉर्म में है भैया। उसके बाद क्या हर जो है वो जीरो के बराबर है क्या भैया? नहीं, हर तो मेरा जीरो के बराबर नहीं। तो ठीक है भैया, यहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद देखते हैं माइनस दो और सात, क्या मेरा इंटीजर नंबर है? अब इंटीजर नंबर हम लोग सिखा रहे हैं जो होल नंबर पर है ना, होल नंबर में आप नेगेटिव नेचुरल नंबर जोड़ते तो मेरा वो इंटीजर नंबर बन जाता है। वाह, अर्थात देखो माइनस दो इसके अंदर है, हाँ है, सात इसके अंदर है, हाँ है, अर्थात माइनस दो और सात मेरा इंटीजर नंबर में बिलोंग कर रहा, अर्थात पी और क्यू जो है वो बिलोंग करना चाहिए इंटीजर्स में, तब जाकर के ये हमारा रेशनल नंबर होगा। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कौन रेशनल नंबर हो रहा कौन रेशनल नंबर नहीं हो रहा। ठीक है, तो माइनस दो माइनस टू बाई सेवन सिक्स बाई एट ये हमारा रेशनल नंबर है। बात को समझने का प्रयास करो, हर चीज को समझो, ठीक है, ये सबसे बेहतर है। बेहतर क्या, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए होगे? हाँ भैया समझ गए हैं, बिल्कुल सही। चलो हम लोग परिमेय संख्या पहचानना सीख गए, कौन परिमेय संख्या है कौन परिमेय संख्या नहीं है ये पहचानना सीख गए। वाह, ये हो गया पते वाली बात, भैया सुनिए ना। हाँ बोलिए 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 बोलिए, क्या कह रहे हैं? आपको ये पहचानना है, अभी हम आपके सामने पांच क्वेश्चन दे रहे हैं सर टेस्ट का, आपको ये पहचानना है। क्या पहचानना है भैया? कौन, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको फ्रैक्शन भी लिखना है और रेशनल भी लिखना है। अगर फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन लिख देना, अगर रेशनल लगा तो रेशनल लिख देना, अगर दोनों होगा तो दोनों लिख देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए माइनस टू बाय सेवन बताओगे, अगेन सेकेंड क्वेश्चन टू बाय थ्री बताओगे, तीसरा क्वेश्चन फाइव बाय नाइन बताओगे, चौथा क्वेश्चन माइनस टू बाय जीरो बताओगे, पांचवा क्वेश्चन जीरो बाय सिक्स बताओ। जल्दी से सब बताओगे कौन फ्रैक्शन है कौन रेशनल नंबर है। ला 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 ला। मेरे प्यारे भैया बन गया, अब मिलाइए, बहुत अच्छी बात। सुनिए हम लोग रेशनल और फ्रैक्शन देखना है ना, तो फटाफट देखेंगे। चलिए पहले फ्रैक्शन देखते हैं। फ्रैक्शन के लिए क्या था भैया जी? फ्रैक्शन के लिए पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए, हाँ पी बटे क्यू के रूप में है, बहुत अच्छी बात। अगेन क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, हाँ भैया क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, बहुत अच्छी बात। अगेन P और Q जो है वो बिलोंग करना चाहिए, कहाँ? हॉल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, अर्थात देखते हैं ये बटे के फॉर्म में है, हाँ भैया नीचे जीरो है, नाना नीचे जीरो नहीं है, और P और Q जो है क्या वो मेरा हॉल नंबर है? तो भैया माइनस दो मेरा हॉल नंबर नहीं है, अर्थात ये जो है ये फ्रैक्शन नहीं है। चलिए फ्रैक्शन नहीं हुआ, अब इंटीजर की बात करते तो P बटे Q के रूप में तो है ये, बहुत खूब। अगेन क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं है यहाँ पर। उसके बाद भैया हम ये देख रहे हैं, जल्दी जल्दी बनाओ, ठीक है हमें आगे भी पढ़ाना है, भैया तुरंत बना देते हैं। अब ये पी और क्यू जो है वो मेरा दोनों इंटीजर है, इंटीजर समझ रहे हैं ना, माइनस दो इंटीजर है, सेवन भी इंटीजर है, अर्थात पी और क्यू मेरा इंटीजर है, बहुत अच्छी बात, अर्थात ये सिर्फ और सिर्फ रेशनल है।
ये हम क्यों लिखते हैं, क्या जरूरी है इसको लिखना। इसको लिखने से आपके दिमाग में ये बैठेगा, ये कंडीशन मेरा फ्रैक्शन का कंडीशन है, ये कंडीशन मेरा रेशनल का कंडीशन है, इसलिए हम बार बार इसको लिखते हैं। और दोनों में सिर्फ अंतर यहाँ पर है, इसमें होल नंबर आता है, इसमें इंटीजर नंबर आता, बस ये छोटा सा फर्क है। हम बार बार इस चीज को लिख रहे हैं कंडीशन, आपको फॉर्म आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा सिर्फ ये लिखने से। इसे हम इसको बार बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये नहीं, क्लास टेंथ की एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर भी आपसे रेशनल नंबर का डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा। मेरा क्या फायदा हमको इधर लिखने का, ये फायदा है कि आपके मन में ये चीज बैठ जाएगा आपकी, इसका डेफिनेशन आप अपने मन से किस प्रकार लिख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, 2/3 क्या है, तो तुरंत बोलोगे भैया हम फ्रैक्शन के लिए पढ़े थे p/q के रूप में, p/q के रूप में है, यहाँ पर भैया जी q 0 के बराबर नहीं है, और p और q जो है वो दोनों मेरा भैया होल नंबर है, बहुत अच्छे, अर्थात ये मेरा फ्रैक्शन हो गया। वाह अति सुंदर, अति सुंदर, ये मेरा फ्रैक्शन हो गया। अगेन हम लोग रेशनल की बात करें, भिन्न तो हो गया, अब परिमेय की बात करते हैं, परिमेय में सिर्फ और सिर्फ क्या, 2 और 3 मेरा इंटीजर नंबर नहीं है, हाँ भैया पी और क्यू तो मेरा इंटीजर नंबर भी है, अर्थात ये मेरा रेशनल भी हो गया। वाह ये हो गया बात, अब बाकी ये तो दिया हुआ ही है, हम लोग देख ही चुके हैं, सिर्फ ये देखना था इंटीजर है कि नहीं है, अगर हॉल नंबर हो ही गया तो इंटीजर भी होगा, इस बात को समझ के चलना, क्योंकि इंटीजर में हॉल नंबर आता है, इंटीजर में क्या हॉल नंबर आता है, इंटीजर में इस बात को समझना है, ये इंटीजर है ना, तो पूरा का पूरा हॉल नंबर इसके अंदर बिलोंग करता, अगर हॉल नंबर हो रहा है तो इंटीजर भी होएगा, इसको समझ के चल रहा। ठीक, इसमें से कोई एक बताएंगे, कौन सा बता दे भैया, सुनिए ना, इस 4 नंबर को बताइए, बहुत अच्छी बात, यहाँ ध्यान दो। अब हम लोग देखेंगे, पहली बात p/q के फॉर्म में है, हाँ भैया बटे के फॉर्म में है, क्या q 0 के बराबर नहीं है, देखते हैं, ये यहाँ q 0 के बराबर है, इसका वैल्यू ही नहीं निकाल पाओगे आप, जब वैल्यू ही नहीं निकलेगा तो किस बात का ये फ्रैक्शन, किस बात का ये रेशनल नंबर, इसका कोई काम नहीं है, कुछ नहीं लिखना है इसमें, कुछ नहीं लिखना, बस यहीं पर देख के छोड़ देना है, अगर लिखना है तो सेम टू सेम इसको कॉपी कर देना, यहाँ पर रिवीजन आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमको यहाँ पर 0 नहीं चाहिए और यहाँ पर 0 आ भी किया, इस बात को समझ के चलना है। यहाँ देखो 5/9, हाँ भैया जी सिंपल सा, इस पूरे ऊपर वाले टर्म को फिर से आप लिखोगे और यहाँ पर ये मेरा फ्रैक्शन भी होगा और रेशनल नंबर भी होगा, इसमें भी सेम आपका, इस पूरे टर्म को आप फिर से लिखोगे और ये मेरा फ्रैक्शन भी होगा और रेशनल नंबर भी होगा। भैया ये तो आप छापने के लिए बता दिए, नहीं नहीं छापने नहीं बताए, और मुझे आप पर थोड़ा विश्वास भी करना है कि आप इस चीज को समझने का प्रयास करोगे और एक बार समझ लोगे ना, बहुत आसान लगेगा। चलो जी, अब हम लोग बारी बारी से जो बगल में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको समझेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, अब पहली बात, इतना सब कुछ किए हम लोग रेशनल नंबर को जान गए, भैया हम जाना रेशनल नंबर, जब आप रेशनल नंबर को पहचान गए हो तो रेशनल नंबर आप कैसे हो, जब उसे मुलाकात कर ही लिए हो तो क्यों ना रेशनल नंबर से ये पूछो, आप हमें मैजिक दिखा दो, जैसे भैया को बोलते हो मेरे प्यारे भैया मैजिक दिखाइएगा, जादू दिखाइएगा, उसी तरह जब रेशनल नंबर से दोस्ती हो गया है तो उनको बोलो ना कुछ जादू दिखाने के लिए। क्या बोल रहे हैं भैया, हम रेशनल नंबर को कहा बोलेंगे कि जादू दिखाओ, देखिए आपके सामने एक बहुत प्यारा सा रेशनल नंबर यहाँ आकर दिख रहा होगा, 2/3, ये रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर है ना, क्या बोले भैया फिर से बोलिएगा, अरे रेशनल नंबर है ना भैया, सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या, अभी हम नहीं सीखे रेशनल नंबर कैसे पहचाना, भैया जी जाना था ये रेशनल नंबर है, p/q के रूप में है, नीचे 0 भी नहीं है और 2 और 3 मेरा इंटीजर नंबर है, तो रेशनल नंबर तो है भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना देर से चिल्ला रहे हैं, कंठ सूख गया, देखो ये कंठ सूख चुका है, आप सुनते क्यों नहीं हो, यहाँ ध्यान दो, भैया जी ध्यान दिया हुआ है, हमारी सारी इंद्रियां यहाँ पर मौजूद है, कृपया करके आप आगे समझाइए। ठीक, 2/3 है, ठीक, अब इसको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको इसको एक्सप्रेस करना है, इसमें एक्सप्रेस करना है, भैया जी क्या एक्सप्रेस करना है, आप जो है इस 2/3 के न्यूमरेटर को, आप 2/3 के न्यूमरेटर को आप कन्वर्ट करोगे 8 में कन्वर्ट करोगे, तो किस प्रकार कन्वर्ट करोगे ये सोचो, मतलब यहाँ पर बोला गया कि 2/3 है ना, इसका न्यूमरेटर जो है 8 बनना चाहिए। अच्छा सुनो, इसके बाद आएंगे, पहले हम लोग कुछ और सीखते, इसके बाद ये सीखेंगे, पहले डब्बा डब्बी सीख लेते हैं फिर जादू बोलेंगे दिखाने के लिए। क्या, जैसे आपके सामने है 2/4 बराबर आ गया, ठीक, यहाँ पर है आपका 6, यहाँ पर है 8, आप डिब्बा को भरोगे, यहाँ पर क्या भरोगे, यहाँ पर क्या भरोगे, ये आप खुद सोचोगे, तो बोलोगे मेरे प्यारे भैया ये भी कोई सवाल होता पूछने का, ना ना इसका जवाब हम खुद देंगे, आप ना बताइएगा, ये तो और अच्छी बात है, हम तो चाहते थे
कि आप ऐसा कुछ कहो और हम आपको खुद वक्त बनाने के लिए ये दे दे। भैया सुनिए ना, सर एक मजाक कर रहे थे, सुनिए ना एक वो सब नहीं होता, आपने कह दिया बस कर दिया, आपको खुद से बनाना होगा। भैया जिसने आप संख्या कहाँ लिख रहे हैं, मतलब अपने से भरके संख्या लिखना है, ऐसा बात हम पूछे कुछ संख्या भर देंगे। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, चलिए इसको आपको फिलअप करना है। क्या गिर गया, ला 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 ला। अब सब को आप बनाओ भैया जी, एक समझा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, आपके लिए हम एक समझा देते हैं। यहाँ ध्यान दे, ये क्या है, यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है, अर्थात क्या उसको समझो। अगर हम बोलेंगे कि अगर आप फ्रैक्शन ठीक से पढ़े हो तो रेशनल नंबर आपके लिए कुछ भी नहीं है, बस ये समझ के चलो। अगर फ्रैक्शन अच्छे से पढ़े हो तो रेशनल नंबर आपको बहुत आसान लगने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। रेशनल नंबर आपके लिए बेहद आसान है अगर आप फ्रैक्शन ठीक से पढ़े हो तो। चलो अब यहाँ देखते, हम बोल दिए 2/3 जो है ना वो जो है बराबर है 3/6 के बराबर है, तो क्या आप क्या जवाब दोगे आप। तो ये देखोगे आप 3 से 6 कितना गुना है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया 3 का पहाड़ा यहाँ 2 बार पढ़ा गया, मतलब 3 में 2 से गुना किया गया, 3 × 6, तो 2 में भी आप 2 से गुना करोगे 2 × 4 निकल गया, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर देखो नीचे देखते हैं 4 का पहाड़ा, 4 × 8, मन में ये करना है 4 का पहाड़ा 2 बार यहाँ पढ़ा गया, मतलब 4 × 2 किया गया 8, तो 2 × 2 करेंगे 4, समझ रहे हो। नहीं समझे, फिर देखो नीचे में 4 का टेबल है, ऊपर में 2 का टेबल, अब समझ रहे हो, मतलब 4 फिर 8 फिर 12 हो गया। तो यहाँ पे 2 कौन कौन सा भरे हम, ये भरे और कौन सा भरे, ये भरे, हमें तो पता भी नहीं चलता कौन कौन सा भर रहा है। मेरा तो कलर ही सारा का सारा ब्लैक, चलो कोई नहीं ब्लैक इंटर क्या दिक्कत है। यहाँ देखो ऊपर में क्या है, 6 का मल्टीप्लाई कितने बार है, 6 × 12, ठीक है। फिर यहाँ तो दिया हुआ नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है 4, ये क्या है भैया, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए 6 का पहाड़ा 2 बार 12, ठीक, 6 × 12 6 × 18 6 × 24, ऊपर पहाड़ा 6 का हो गया, नीचे पहाड़ा 4 6 मेरा 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 2 × 4 = 8, मेरे ख्याल से आप कहाँ पाओगे, आप बनाओगे तो बहुत आसान है, ठीक है। अभी मुश्किल नहीं दिए, मुश्किल देंगे अभी हल्का हल्का बनेगा, तब आपको अचानक हैवी बना दे देंगे तो बस आप दब के कहाँ जाओगे पता नहीं रहेगा, इसलिए आसान आसान सा दे रहे हैं, जिसको आप समझो आसानी से बनाओ, बन गया होगा। अब मिलाना है, ऊपर में 6 का 12, 6 × 2 = 12 हुआ, 6 × 3 = 18 हुआ, 6 × 3 किए, फिर 6 × 4 = 24 हो गया। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 2 था, किसमें 2 करेंगे 4 हो जाएगा, तो भैया -2 में 2 करेंगे 4 होगा, ठीक है। अब 2 में किससे गुना करेंगे जो 6 हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर 6 में जो है समझिएगा सब समझ में आएगा, 6 में 3 से गुना किया गया था 18 हुआ, हाँ भैया यहाँ पर 2 में जो है आप 3 से गुना कीजिए तो क्या होगा, 2 × 3 यहाँ माइनस है, -2 × 3 -6 हो गया। फिर यहाँ पर 6 में आपका 6 × 24 4 से गुना हुआ था, इसमें भी आपका -2 में 4 से गुना होगा, 2 × 8 -8 हो गया। आप सोच रहे होंगे भैया आप पहाड़ा का है ना, पर अब आप ये गुना उना क्यों कर रहे हैं, तो 2 × 4 2 × 3 = 6 2 × 4 = 8, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी आपके सामने कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर इसको वैसे नहीं समझोगे तो यहाँ फंस जाओगे, इसमें मैं कह रहा हूँ अपना सारा ध्यान यहाँ लगाना है। देखो 2 का पहाड़ा 1 बार, मतलब 2 × 1 = 2 हुआ, फिर 2 × 2 = 4 होगा, फिर 2 × 3 = 6 हुआ, फिर 2 × 4 = 8 हुआ, यहाँ पर -2 है और यहाँ -4 है, अर्थात -1 × 1 - 2 हुआ, -1 × 2 हुआ, -1 × 3 - 3 हुआ, -1 × 4 - 4 हो गया, कितना आसान है। यहाँ देखो 3 का पहाड़ा 3 × 3 3 × 6 3 × 9 3 × 12, 5 × 5 5 × 1 5 हो गया, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 4 20, ठीक, -1 × 2 - 2 हो गया, -1 × 3 - 3, -1 × 4 - 4, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 4 20, बस इस प्रकार हम लोग
बहुत आराम आराम से हल्का हल्का ये बनाते हो। अच्छा अब थोड़ा सा आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना, देख के बोलोगे भैया ये क्या हो रहा, हाँ ऐसे भी सवाल होता क्या? सही कह रहा हूँ, आप ऐसा ही बोलोगे भैया अगर ना बोले तो, हाँ अगर ना बोले तो आसानी से बना लिए सबका होगा, ये तो और अच्छी बात है। अगर आप आसानी से बना रहे हो तो इससे अच्छी बात क्या है, लेकिन मुझे पूर्णतः विश्वास है थोड़ा सा दिक्कत होने वाला आपको। भैया जी सही बोल रहे हैं क्या? पहले आप क्वेश्चन यूं ही करोगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर 6/7 बराबर, ये बराबर है, नीचे में 49 है, ऊपर में क्या होगा? तो तुरंत आप बोलोगे 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे जो 49 होगा। तो तुरंत सोचो, रुकिए हम बिजनेस माइंडेड लगाते हैं भैया, बिजनेस माइंडेड, यहाँ 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 49 हो गया। उसी तरह 6 का पहाड़ा भी अगर 7 बार पढ़ लेंगे तो हो गया काम। अब करना ही क्या है भैया जी, बस इतना सा ही काम था, हो गया और कुछ ना करना। वाह भैया जी, अर्थात यहाँ 42 आ गया। एक और क्वेश्चन, जैसे 3/8 ठीक है, क्या है 3/8, मान लीजिए यहाँ पर जो है ना 33 है ठीक है। अब जो है यहाँ पर क्या होगा, अब कैसे जवाब दोगे भैया जी? सुनिए ना, हमको समझ में आ गया, 3 में किससे गुना करेंगे जो 33 होगा, हमका समझ में ही ना आवा था 3 में किससे गुना करेंगे जो 33 होगा। अब रोएंगे भैया क्या करें। अच्छा अगर ऐसी समस्या आ जाए ना, सिंपल सा डिब्बा जहाँ है ना वहाँ ऐप से लिख देना ठीक है, जब आपको कुछ समझ में ना आएगा। देखो जब समझ में आ रहा है कर लेना, जब समझ में नहीं आएगा किससे गुना करना है, सिंपल सा डब्बा को एक्स बना देना। अब सिंपल सा कोना कोनी गुना, एक्स का 3 के साथ गुना 3 गुना एक्स हो गया, 8 का 33 के साथ गुना 8 गुना 33 हो गया। मेरी एक बात मानना, गुना मत करना ठीक, गुना मत करना ठीक है। चलो भैया जी आपकी बात मान लिया, गुना नहीं करेंगे। यहाँ 3 गुना के रूप में हमको x को अकेला करना है, हाँ भैया x को अकेला करना है। अब क्या करेंगे, 8 गुना 33 था, इसमें ये 3 गुना के रूप में है, इधर आकर के भाग हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि ऊपर में सब गुना के फॉर्म में है, अगर इस प्रकार रहता 8+33/3 तो ये कभी नहीं करते, ऐसे नहीं कटाते हैं। जब ऊपर में गुना का फॉर्म रहेगा तब कटाते हैं, मतलब 3 से 11 बार में खा जाएगा। अरे मेरे प्यारे दुलारे, देखो यहाँ पर 3 के पहाड़े में 33 कितने बार में आता है, 11 बार में ना, वही चीज यहाँ पर 3 के पहाड़े में 33 11 बार में आ रहा। अब वो 11 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 11 8 88, एक्स का मान मेरा 88 हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ भैया समझ में आ गया, ये हुई ना बात। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का होने वाला, या तो आप मौके कर पाओगे या तो आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। अच्छा भैया ये बात था। ये तो हम और आसानी से बना सकते, लेकिन कोई बात नहीं भैया, आप बोल रहे हैं तो हम बना लेंगे। अगर भारी रहेगा तो हम एक्स मान लेंगे, अगर हल्का रहेगा तो बस मौके बना लेंगे। हम 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैं बताऊंगा उसके बाद मैं बनाने देने वाला आपको। अच्छी बात है भैया, आप पहले बताइए 2/3 है, अब क्या करें, 2/3 है यहाँ पर मेरा, यहाँ 12 है, यहाँ पर क्या करें, यहाँ माइनस। अब देखते हैं आप कैसे नहीं फंसते हो हमारे ब्रह्मास्त्र के जाल में। क्या ही कर रहे हैं आप, हाँ हम वो भी हमको आपको, ये ना हो पाएगा हमसे, गलती अब ना होने वाला, ये होगी ना बात, देख लेते हैं ठीक है। यहाँ पर -42 है, नहीं ये नहीं भाई, इतना भर देंगे आपने सोची ना होगी। भैया जी ऐसा तो ना कीजिए, ऐसा ना कीजिए भैया, चलिए यहाँ पर -1212 है, यहाँ पर डब्बा है। अब बताओगे भैया, सुनिए हम समझ गए आप क्या चाहते, मतलब इसको मौके करें, इसको एक्स का मान के करें, जरूर जरूर करेंगे भैया। आप बनाओगे, सोचते हैं आप बनाओगे कि नहीं बनाओगे, आप बनाओगे कि नहीं बनाओगे, इतना जैसे जो हम सोच रहे हैं अगर वही आप बना लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका, जल्दी बनाओ इसको। बच्चा का सवाल में आप ही सोच रहे हो बना ले कि नहीं बनाए, भैया भी सोच रहे हैं, हम भी सोच लेते हैं, इसको बनाओ। यहाँ देखो 3 का पहाड़ा, ना 3 में किससे गुना करोगे जो 12 होगा, भैया 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो मेरा क्या होगा, 12 होगा, तो इस 2 का गुना भी हमको 4 बार पढ़ना होगा और मेरा यहाँ पर -8 हो जाएगा, -2 × 4 -8 होता है। ये हम लोग आसानी से कर लिए, ये सब मौखिक मतलब मन में करना है, ये सब दिखाना नहीं होता ठीक, ये मन में ही कर देना है कि हाँ 3 का पहाड़ा 4 बार, -2 का पहाड़ा भी 4 बार, -8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब नहीं होने लगा डब्बा को, हम लोग डब्बा रहने देंगे, डब्बा के अंदर ही उसको एक्स मान लेंगे ठीक, यहाँ लिख देंगे -6 × -12 = -6 अब देखो जो कट रहा है उसको कटाएंगे। अब बोलोगे भैया आप बोले थे कि माइनस प्लस रहेगा तो नहीं कटाना है, अरे मेरे भोले भाले क्या ही कहो, ये सबसे प्यारी बहना, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर माइनस जो है गुना के फॉर्म में है, इसको समझना है, अगर समझ में नहीं आता है इस माइनस को बाहर कर लो ठीक।
बाहर करो माइनस को, अगर आपको समझ में नहीं आता तो माइनस को बाहर कर देना ठीक, और इस माइनस ये माइनस कट जाएगा। ओके ठीक है भैया समझ में आ गया, तो यहीं पे आप कटा दोगे लेकिन नहीं कटाना रहे तो। अब देखो छह दूनी बारह जीरो, छह दूनी बारह 202 निकल गया, 17 गुना 202 करेंगे वही मेरा एक्स्ट्रा वैल्यू निकलेगा, एक्स्ट्रा वैल्यू कितना निकल गया 17 दूनी 34, 4 3 17 दूनी 34, 34 ये मेरा एक्स्ट्रा वैल्यू निकला। बताओ कितना प्यारा वैल्यू निकल रहा, मैं देता कुछ बनाने के लिए 10 क्वेश्चन कौन आपका भी। हाँ भैया मेरा 10 क्वेश्चन हो गया, आप सब कुछ याद रखते हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, आपको कुछ चीजें भूल जानी चाहिए। देखो आप लोग हुआ करते हो ना, इसलिए मैं कभी कभी भूल जाता, याद ध्यान रखो। अब 11 नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन था भैया, कितनी बार पूछिएगा, इतना पूछेगा तो हम भूल जाएंगे कि कितना क्वेश्चन था। चलिए इसको आप बनाइएगा, जो नहीं बनेगा उसको छोड़ दीजिएगा हरी नाम का लेकर के, ठीक है डब्बा बटे भैया इतना छोटा डब्बा काहे दिया आप बताइए, ऐसे छोटा छोटा डब्बा दीजिएगा तो हो गया भैया। अरे मतलब क्या है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, सिंदारा अरे आराम से आराम से, अभी आपको बहुत दिन आना है ठीक है मार्कर जी, आप टूट जाओगे तो क्या नया मार्कर, ना 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 अभी नया मार्कर नहीं लेना, आपसे काफी दिन अभी लिखना है ना। भैया जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, नया मार्कर के लिए यहाँ क्वेश्चन बना, नया नया मार्कर फेंक दिए। हाँ हाँ ये क्या हो रहा है, 10 10 10 10 90 100 110 100 में लगा धाग और चोटी करके ये बनाओगे 11 से लेके 15 तक आपके सामने एक बेहतर बेहतर से बेहतर यहाँ पर क्वेश्चन मौजूद है भैया, मुझे पता है यहाँ क्वेश्चन मौजूद है लेकिन बनाएगा कौन, हाँ बनाओगे जल्दी से बनाओ भैया, बन गया बन गया बहुत अच्छी बात है, वो कैसे बनाओगा, तीन के पहाड़े तीन में 27 कितने बार में आता है, 9 बार में, तो माइनस 6 का पहाड़ा भी 9 बार पड़ेंगे कितना होगा तो -54 ठीक है। अगेन इसको देखो तीन के पहाड़े में 36 कितने बार में आता, तो भैया तीन के पहाड़े में 36 जो है गुना करेंगे 12, तो यहाँ पर डब्बा में किससे, डब्बा में 12 से गुना करना है, अब डब्बा में डब्बा पता ही नहीं क्या है, तो 12 से भाग करो 60 में, 12 पंचे 60 तो यहाँ 5 आएगा, तनिक भी दिक्कत होगा सीधा एक्स मानना है डब्बा का वैल्यू निकालना, जैसे मान लो इसमें आपको दिक्कत हुआ तनिक वो दिक्कत हुआ तो कुछ ना करना, इसको हटाएंगे इसको इसको हटाएंगे सीधा यहाँ पर एक्स मानेंगे ठीक है, देखो कैसे 5 निकलता है, ये तो हम लोग मौखिक निकाले ना, आराम से आप एक्स गुना -36 करोगे, हाँ आराम से 60 गुना -3 करोगे, यहाँ से एक्स माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या हो गया 60 गुना 3 अब बटे 36 हो जाएगा ठीक, 6 के 36 छोड़ दें 60 3 कम 3 3 दूनी 6 2 5 10 अर्थात 5 निकल गया, अगर आपको सिंप्लीफाई करने आता है ठीक, अगर सिंप्लीफाई करने आएगा आएगा नहीं आता तो हम सिखाएंगे, आज सिखाएंगे ये सिंप्लीफाई, अगर नहीं आता तो भर भर के सिखाएंगे, चलो बाकी सब सॉल्व करोगे, यहाँ x का वैल्यू रखोगे, यहाँ x का वैल्यू रखोगे, यहाँ x का वैल्यू रखोगे सॉल्व करोगे ठीक है। चलो जी अब हम लोग जो है एक और बता दें, इसमें से कोई एक बताएंगे भैया, इसमें ये बता दीजिए ठीक है, देखो देख लो इसमें कौन सी बड़ी बात है, x गुना -48 कर दिए, यहाँ पर -4 गुना 84 कर दिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, चलिए ये काम तमाम, यहाँ पर x गुना के फॉर्म में है, 48 भी गुना के फॉर्म में है, 48 को बराबर के उस तरफ भेजे तो मेरा भाग हो गया, अब देखते हैं 4 × 8 4 × 4 4 × 8 ठीक है, बच जाओगे 48, ये क्या बोले 48 कहाँ से, 84 है ना, क्या कर रहे कुछ भी कर रहे हम इस 48 को देख रहे थे कुछ भी, तो एक्स का मान यहाँ पर 7 हो गया, बस इस प्रकार हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इस प्रकार के कैलकुलेशन को भी देखने वाले हैं ठीक है, अगर इस ऐसा कैलकुलेशन अच्छे से क्लियर होगा आपका तो यहाँ पर डाउट तो नहीं होने वाला, तो देखो भर भर के आपके सामने अब कैलकुलेशन आने वाला है, तो उसको देखना है बनाना है सीखना है, एक काम करें हम वीडियो रोक कर कुछ कैलकुलेशन लिख लेते हैं, वरना क्या होता है कैलकुलेशन लिखते जाते आप भी परेशान, भैया कब तक में लिखिएगा पूरा। चलो जी हम तो क्वेश्चन लिखने के बहाने हल्का पानी भी पी लिए, अगर आपको भी पानी नहीं पीना जाओ पानी नहीं पी करके आ जाओ, पीना है तो पीना, अगर मन नहीं करा छोड़ो, पढ़ाई करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने से पहले
हम लोग रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म सीख लेते हैं। देखो अभी तक हम लोग इसको सॉल्व करना सीख गए, हाँ भैया, लेकिन इसको सॉल्व करते समय जो है ना ये इक्वेशन आ रहा था, अभी इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। फिर हम लोग जो है इसको भी सीख गए हैं, हाँ भैया इसको भी सीख गए हैं, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म भी सीख जाएंगे। अगर ये सीख गए हो तो ये भी सीख जाओगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर हम लोग का बचेगा सिर्फ इक्विवेलेंट रिलेशन, वो भी सीख जाएंगे। अब हम लोग का आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो जाएगा, फिर आपको प्यारा सा कुछ होमवर्क मिलने वाला। वैसे चैप्टर कौन सा चल रहा है, चैप्टर आपका 1, 2, 3, 4, 5 चल रहा है क्या, 4 चल रहा है, 4 चल रहा होगा शायद, 4 चल रहा होगा। पहला हम लोग पढ़े क्या पढ़े पहला, भैया को याद ही नहीं है, छोड़ो, ये 4A आपको बनाना है शायद, 4 चैप्टर चल रहा होगा। देखो भैया कितने बड़े भुलक्कड़ है, 4 चल रहा है कि 5 चल रहा, भैया को नहीं पता, कोई बात नहीं, अब देखना पड़ेगा मोबाइल निकाल, उससे बढ़िया ऐसे आप आने का, ओके, वरना बैग में रखा हुआ प्यारा सा फोन निकालना पड़ेगा, फिर से देखना होगा, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसी कारण अगर चैप्टर 4 होगा तो आपको 4A बनाना है, अगर चैप्टर 5 होगा तो आपको नहीं 4 ही है, अब विश्वास थोड़ा थोड़ा हो रहा कि 4A चैप्टर है, ठीक 4A ही चैप्टर है, ओके। अब यहाँ ध्यान दोगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते, जैसे यहाँ पर 84 और 6 दोनों किसके पहाड़े में आ रहा, तो बोलोगे भैया देख सकते हैं 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा। हम लोग पहले विचार करेंगे, सुन लो, आप जानते हो को किसी संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगता है या नहीं लगता है, आपको 2 का और 3 का कम से कम ये पता होना चाहिए जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हो तो। क्यों पता भैया जी, 2 का और 3 का, 2 के लिए जैसे मैं बोल रहा हूँ 114, क्या ये 2 से भाग लगेगा, तो आप बोलोगे भैया इसका इकाई अंक 4 है, 4 होता है इसका मतलब ये 2 से भाग लगेगा, बिकॉज 4 जो है 2 के पहाड़ी में आता, आप इसमें 2 से भाग लगाओ ये पूरा पूरा कटेगा, 2 × 5 = 10, 2 × 14, क्या 1024, क्या 2 से भाग लगेगा, तो आप बोलोगे भैया इसके इकाई अंक में 4 है जो 2 के पहाड़े में आता, 2 × 1 = 2, 2 × 4, अर्थात ये 1024 जो है 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 4 कट गया। अगर बोलेंगे 1030, क्या ये 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा भैया, तो बोलोगे भैया इसका इकाई अंक जो है वो 0 है, 2 का पहाड़ा 5 × 10, 10 में भी 0 आता, अच्छा भैया अर्थात ये मेरा 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, हमको सिर्फ पहाड़े को देखना है, अगर मेरा पहाड़े का इकाई अंक मिल गया समझ लो वो 2 से पूरा पूरा भाग लगने वाला। देखो 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 515 हो गया, कितना आसान है, 138 फिर आपका 6 है, क्या ये 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो आप बोलोगे भैया इसके इकाई अंक में 6 है जो 2 के पहाड़े में आता है, अर्थात 2 से भाग लगाएंगे, 2 × 6 = 12, 1 × 2 = 18, 2 × 3 = 6, लग गया भाग, कौन सी बड़ी बात है, सिंपल सा इकाई अंक देखना होता है 2 से भाग लगाने के लिए, ठीक। अब जैसे हम बोलेंगे 1 × 1 = 2, 7, क्या ये 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो आप बोलोगे भैया अंतिम में 7 है, 7 मेरा 2 के पहाड़े में नहीं आता, अर्थात ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। हम बोलेंगे 11/2, 11 के अंतिम में 1 है जो 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो अर्थात 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, ऐसे पहचानना है, ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए, ठीक। अब 3 का क्या रूल है, 3 का भी रूल देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, कुछ जानो या ना जानो ये रूल तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। देखो पंखा चल रहा है फिर भी पसीना आ रहा आपके भैया को, आश्चर्यजनक बात है, वो भी इतनी रात रात 1:15 हो रहा है, हे भगवान। आज जो है ना हुआ क्या, आज मैच चल रहा था, किसका किसका, इंडिया और आपका जो है साउथ अफ्रीका, इसका आज फाइनल मैच चल रहा था, अब इसी को देखने में रह गए अंतिम अंतिम, हमको लगा इंडिया हार गई मैच, दिल तो धक धक हो रहा था इंडिया जीत जाए किसी तरह, अंतिम में जब शायद आप क्रिकेट देखते हो कि नहीं देखते हो, 30 बॉल में 30 रन बनाना था, अब हमको पूरा विश्वास हो गया कि साउथ अफ्रीका 30 बॉल में 30 रन बना लेगी, लेकिन इंडिया वहां से कमबैक करके देख करके मजा आ गया, ठीक है, इसलिए आज मेरा मैच भी खुश है, ओके। चलो कोई नहीं, अरे ये सब मैं क्यों बता रहा आपको, यहाँ ध्यान दो भैया जी, यहाँ पर 3 का रूल बताइए, आप क्या क्या बता रहे हैं, देखो 3 का रूल क्या होता है उसको समझते हैं, 3 का रूल होता है हम संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है, हम संख्या को जोड़ेंगे, अगर वो 3 से भाग लग गया तो 3 से भाग लगेगा, जैसे 1, 1, 2, 1 है, क्या ये 3 से भाग लगेगा, तो हम संख्या को जोड़ेंगे, 1 + 1 + 2 + 1, 1, 2, 3, 3, 1, 4, 4, 5, ये 3 से भाग नहीं लगेगा, बिकॉज 5 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता, हम कैसे किए 1 + 1 + 2 + 1 की, इस तरह को जोड़े, मेरा कितना आ गया 5 आ गया, 5 मेरा 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए मेरा ये संख्या जो है 3 से पूरा पूरा भाग नहीं खाएगी। अगर हम बोलेंगे 1013 1013 क्या ये 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो आप बोलोगे भैया 4 × 5 = 5, 5 × 3 = 8, 8 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये संख्या आपका 3 से पूरा पूरा भाग नहीं खाएगा। अगर हम बोलेंगे समझना
कैसे हम लोग पहचानते हैं उसको सीखो। 1092 अगर ये संख्या है, क्या ये संख्या 3 से पूरा पूरा भाग खाएगा? ऐसा मत पूछना कि खाई अंक तो है कि नहीं खाएगा, वो नहीं देखते हम, संख्या को जोड़ते हैं। 1+0 एक हो गया, 9 × 1 = 10 हो गया, 10 × 2 = 12, 12 मेरा 3 के पहाड़े में आता है, अर्थात ये मेरा 3 से पूरा पूरा खाएगा। तो 3 × 3 = 9, 1 × 3 = 18, 1 × 3 = 12, इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते। इसका मतलब 2 और 3 का तो पता होना चाहिए आपको, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। तो देखते हैं, अब देखो कौन सा बता दें, 23 नंबर देखो। आप बोलोगे क्या ये 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा? तो आप बोलोगे भैया इसके इकाई अंक में 4 है, नीचे में 6 है, 4 तो 2 के पहाड़े में आता, 6 भी 2 के पहाड़े में आता, तो ये दोनों जो है 2 से भाग लगने वाला। ठीक, क्या 3 से भाग लगेगा? तो भैया 6 तो 3 से भाग लग जाएगा, 8 × 4 बोलो 12, 12 3 के पहाड़े में आता, अर्थात ये 3 से भी भाग लगेगा। अब आपकी इच्छा 3 से लगाओगे या 2 से लगाओगे? भैया 3 से लगाइए। ठीक है, 3 × 2 = 6, जितना ज्यादा से लगाओगे उतना आसानी से बन जाएगा। 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24, 28 और 2 हो गया। क्या 28 2 से भाग लगेगा? इसका इकाई अंक देखते 8 है, 8 2 के पहाड़े में आता, और 2 जो 2 तो 2 से भाग लगेगा ही, 2 के पहाड़े में 1 बार में आता, 28 जो है 14 बार में आता, अर्थात मेरा बटे के ऊपर 14 हो गया और बटे के नीचे 1 हो गया, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। क्या ही भैया इतना आसान था। अब इसको देखते हैं, 64/8 को देखते हैं। अब आराम से पहले ये बताओ क्या ये 2 से भाग लगेगा? तो भैया हाँ देखा था, इकाई अंक इसका 4 है, इसका इकाई अंक 8 है, तो 4 मेरा 2 के पहाड़े में आता, मतलब ये 2 से भाग लगेगा, 8 तो लगेगा ही, तो 2 से लगेगा। हाँ 3 से देखते हैं, तो भैया 3 के लिए जो है ना संख्या को जोड़ेंगे, जैसे 8 तो 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है, जब 8 ही नहीं लग रहा तो 3 से भाग ये नहीं लगेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 से भाग लग रहा तो 2 से भाग लगाएंगे, या फिर 8 से भी भाग लगेगा, 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 64, आप जिससे लगाओगे, हम 2 से लगाते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, अब 32 और 4 है, या तो 2 से लगाओ या तो 4 से लगाओ, हम 2 से लगाते हैं। भैया आप इतना लेंदी क्यों कर रहे हैं, आराम से 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 64 दे देते, कितना आसान रहता। अच्छा कोई बात नहीं, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, फिर करें 2 × 2 = 16, अर्थात बटे के ऊपर 8 रह गया, बटे के नीचे 1 रह गया, इतना लंबा चौड़ा किए। अगर आप चाहते हो इसको करना तो 64/8 को 8 × 8, 8 × 8 = 64, मतलब 8/1 भी लिख सकते हो आराम से। ये और ये तीनों क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। ये बनने के बाद इसी का एडवांस मेथड यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, सिंप्लीफाई तो करना है, सिंप्लीफाई करना है, कहीं पर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसा मत समझना, अगर यहाँ ऐसा मत समझना कि अगर यहाँ माइनस हो गया तो ये दोनों घट जाएगा। जब दो संख्या घट रहा होगा ना तब नहीं कटाते हैं, यहाँ घटेगा ना, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, चाहे यहाँ पर माइनस आए कि प्लस आए, माइनस आएगा तो एक माइनस के कारण रिजल्ट में आगे माइनस लग जाएगा। हम लोग पढ़े हुए हैं 2 × -5 क्या होता, 5 × 10, क्योंकि एक वो माइनस है तो यहाँ आगे भी माइनस लगाते हैं, ये हम पढ़े हुए। ऐसा मत समझना कि भैया यहाँ माइनस आ गया अब तो घटाया, गुना का कोई अहमियत नहीं, वो सब नहीं होता यहाँ पर, इस बात को समझ के चलना। ठीक है, हाँ भैया समझ गए, अर्थात यहाँ पर इसको हो सके तो घेर लो अगर दिक्कत होता है, हाँ माइनस को रहेंगे तो। अब देखो कैसे करते हैं, समझना, पहली बात तो माइनस को बाहर निकालेंगे, आप एक काम करोगे माइनस को बाहर निकालोगे, हम एक लाइन लिख कितना माइनस बाहर निकालना, हमें मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम लोग यहीं पर माइनस को बाहर निकालते हैं, माइनस खत्म। अब देखो यहाँ 169 है, यहाँ नीचे 13 है, क्या 13 और 169 किसी के पहाड़े में आता, देखते 3 के पहाड़े में 3 × 1 = 4, 4 तो 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, किसके पहाड़े में आएगा, 13 के पहाड़े में आएगा, 13 × 1 = 13, 3 × 3 = 39, 13 के पहाड़े में आ रहा, 13 बार में, देख रहे हो। यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना होगा तभी आप कर सकते हो, 13 के पहाड़े में 1 बार में 13 के पहाड़े में 13 बार, ये कट गया, हाँ भैया ये माइनस से माइनस कट गया। ठीक, अब जो है 13 × 19 कर देंगे, अब 19 × 3 = 57 + 7 = 5, 19 × 5 = 24, 247 कट गया, बहुत बहुत आसान था। अब कौन सा बता दे इसमें, भैया एक बात सुनिए ना, इसमें सारा बता दीजिए सारा, अच्छा कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर पहली बात तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं, आप नीचे लाइन लिख करके तब माइनस बाहर निकालोगे, बाहर निकालते तब माइनस माइनस बताओगे, आप कंफ्यूज ना करो इसलिए ऐसा करना है, अगर मल्टीप्लाई सब रहेगा तब ऐसा करना, मैं बार बार बता रहा हूँ कंफ्यूज मत कर जाना, अगर नहीं करने का मन करना मतलब आपको फिर से दिखने का अच्छा नहीं करता ना, तो माइनस यहीं पर रहें, तो इस माइनस से इसको कटा दो बस, अब खुश हो, और इसको कोशिश करो कि पोस्ट में दिखने का अच्छा रहेगा। अब देखो 12 के पहाड़े में 144 12 बार में आता, आप करोगे 12 ये हम लोग ग्राह याद किए हैं, पर 12 × 44 आप भी याद करोगे तो अच्छी बात है, 12 × 2 = 24 निकल गया। यहाँ देखो 4 × 12 = 17 17/3 - 17/3 इसका आंसर निकला, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 12 × 3 = 36 - 36 निकल गया,
सात दूनी चौदह, दो तीन छह, माइनस छह निकल गया, सारा बन गया। इतना आसान था, हे भगवान हम भी क्या इतना आसान था, इतना आसान था। अच्छा कोई बात नहीं, देखो बस इसी तरह आपको सॉल्व करना है। हम लोग कुछ इस पर क्वेश्चन लेते हैं, एक्सपेस करने वाले भी किस प्रकार न्यूमरेटर को कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करते हैं, फिर हम लोग ये इक्विवेलेंट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आज का क्लास यहीं पर समाप्त होने वाला। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे। ओके ठीक है भैया, देखो जी देखो, तनिक जरा देखो, समझो जानो, इतना सारा क्वेश्चन लिखने का समय नहीं था, तो हम लोग इस 5/8 की जगह पर सिंपल सा लिख लिए। अब हमको जो है न्यूमरेटर को इस 5/8 में न्यूमरेटर को -20 बनाना है, इस 3/16 में डिनोमिनेटर को 8 बनाना है, मतलब ये जो 16 है ना, 16 की जगह पर 8 बनाना होगा। तो क्या करना है रेशनल नंबर में, उसको सीखना है। पहले एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद खुद से ट्राई करना है आपको। हम ये ट्राई कर लेंगे, पहले आप बताइए तो सही। हम एक क्वेश्चन कौन सा बताते हैं, देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर मेरा रेशनल नंबर क्या दिया हुआ है, -2/8 दिया हुआ है। हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 12 बढ़ाना है ना। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर नाव लिख दो, अच्छा लगेगा देखने को। अब क्या करेंगे, -2/8 उतार लिए, बराबर का सिंबल दे दिए, डिनोमिनेटर की जगह पर 12 लिखना है। डिनोमिनेटर ना नीचे होता, यहाँ पर 12 लिख दिए। अब हम ऊपर में नहीं पता क्या होगा, हम एक्स मान लेंगे, या फिर मल्टीप्लाई अगर आप कर पा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर लोगे। यहाँ आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा तो सिंपल सा आप x मान लोगे और x को अकेला कर लोगे। देखो कैसे बनाना है, इस दोनों का मल्टीप्लाई 8 गुना x, इस दोनों का मल्टीप्लाई 12 गुना माइनस 2। यहाँ से x का वैल्यू अकेला करोगे तो यहाँ x बराबर क्या होगा, 12 गुना माइनस 2 बटे 8, 4 गुना 8, 4 किया 12। देखो सिंप्लीफाई करना सीखना है आपको, नहीं जानोगे तो पूछना, भैया हमसे नहीं हो पा रहा, इस पर ढेर सारे क्वेश्चन मैं देने वाला। ठीक, हाँ 2 × 1 = 2। ठीक, यहाँ पर x बराबर निकल गया 3 × -1 अर्थात -3 निकल गया। अगर सिंप्लीफाई आपसे नहीं हो रहा है तो कृपया करके पूछिएगा, भैया ये टर्म हमसे सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं बताऊंगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है सिंपल सा मल्टीप्लाई करके तब करना, हम मल्टीप्लाई करना इसलिए नहीं कर रहे, आपको दोबारा मेहनत लग जाएगा, वरना इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो यार 8x = 12 × 24 - 24 कर लो, फिर x बराबर -24/8, 8 या 24 - 3 निकल, ऐसे भी कर सकते हो आप। लेकिन जानते हो ऐसे जब बिगर नंबर आएगा ना तो वहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे, परेशान हो जाओगे। इसी का हम लोग जो है इसको सिंप्लीफाई मेथड के ऊपर चले गए, मल्टीप्लाई नहीं किए, सिंपल सा इसको कटा दिया अच्छे से जिसे कटाना था, पर हम लोग का रिजल्ट आ गया। जैसे आपको इच्छा करे वैसे बनाना है। ओके, और भी बता दे भैया जी, आप छोड़ दीजिए ना, हम सारा बना लेंगे। आप देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ना 3/3/16 है, सॉल्विंग दिए, हमको डिनोमिनेटर को 8 बनाना है, डिनोमिनेटर को 8 बना दिए। ठीक, मतलब 16 का आधा है तो 3 का आधा 1.5 हो गया, ऐसे दिख रहा था बन गया, मतलब मेरा ये रेशनल नंबर होगा, सिंपल सा बन गया। कहाँ कोई दिक्कत है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, बस यही आपको लाना था। ठीक चलो भैया, हाँ भैया लिख दिए, और यहाँ लिख देना हैंस देख करके, हैंस -2/8 बराबर एक्स का मान -3 निकला तो -3/12 इसको घेर दियो, ऐसे हमको इसी को निकालना था। ठीक है, जब ये निकल जाएगा ना तो इसको बाहर बाहर घेर देना, हमको ये निकालना था, हम देख लेंगे। हाँ जो आंसर निकलता ना उसको घेर दिया, तो अच्छा लगेगा देखने में, और मेरा दृष्टि उसी को पड़ जाएगा, हाँ ये निकालना था बिल्कुल। अगेन यहाँ देखो 1/2 है, डिनोमिनेटर मेरा जो है -6 बनाना है, तो 1/2 लिख लिए, डिनोमिनेटर मेरा -6 बनेगा, न्यूमिनेटर निकाला है। अगर समझ पा रहे हो, इसमें हम 3 से गुना किए हैं, 2 × 3 = 6 और माइनस लगा है, अर्थात गुना -3 हो रहा है, इसमें भी हम लोग गुना -3 करेंगे, अर्थात यहाँ -3 हो जाएगा, अर्थात therefore 1/2 बराबर -3/-6। देखो -6 मेरा डिनोमिनेटर आ चुका है, बस हमको यही निकालना था। ऐसे ही बना सकते हो x मान करके, x मान के तब बनाना है जब मल्टीप्लाई समझ नहीं पाओगे क्या करना है। मेरी बातों को समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा, हाँ भैया हम आपकी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। 28 29 होगा, यहाँ 20 हो गया, 30 होगा, यहाँ पे 25 कर रहे हैं, बताइए ऐसे काम चलेगा। अगेन एक क्वेश्चन आप बनाओगे, ठीक है, नहीं दो क्वेश्चन आप बनाओगे खुद से बन जाएगा, मैं नहीं बताने वाला, इस बात को समझ के चलना। चलो कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ, घर घर के क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछना है, कुछ क्वेश्चन और लेना है आपको। ओके एक लास्ट है, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट देख लो, फिर हम लोग कल इस पर और क्वेश्चन बनाएंगे। मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो रहा है आपका, कहीं पर कोई समस्या नहीं आ रहा होगा। ठीक है, एक चीज हम लोग जाने नहीं है, बताओ क्या हम लोग करते हैं, रेशनल नंबर तो जान गए, परिमेय संख्या क्या होता, हाँ भैया परिमेय संख्या हम लोग सीखे क्या होता है, जो पी बटे क्यू के रूप के फॉर्म का हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, पी और क्यू जो है वो मेरा इंटीजर नंबर होना चाहिए, ये तीन चीज होना चाहिए। रेशनल नंबर आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है, वो कौन सा, एक वो आपका एक आप बोल सकते हो ऋणात्मक और धनात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव बोल सकते हो, ठीक,
नेगेटिव रेशनल नंबर, मतलब जिसमें माइनस लगा हुआ, जैसे कि -22/66, ये मेरा नेगेटिव रेशनल नंबर के अंतर्गत आता। इससे कुछ क्वेश्चन आपके बुक में है, मेरे माइंड से निकल गया था, हम देखिए दूसरे आपका बुक। ओके, फिर आपका इसमें आता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसमें आपका प्लस वाला टर्म आता, वो तो बहुत आसान है, इसलिए इग्नोर कर दिए थे। आप बताओगे ये नेगेटिव या पॉजिटिव, भैया जी ये हमारा नेगेटिव है, और कहीं है ये नेगेटिव या पॉजिटिव, भैया ये मेरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों तरफ माइनस है, मिलकर प्लस बन जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव में आ जाएगा। अरे ये कट गया तो प्लस ही बनेगा ना, दिमाग लगा बराबर। हाँ भैया समझ गए, अगेन ये भी मेरा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, बहुत अच्छी बात, अगेन ये समझ गए। हाँ भैया समझ गए हैं, अब हमको ये समझाइए ये हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किस प्रकार बनाएंगे। सिंपल सा जानना है क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करने वाले इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 66 -2 × 66 किए, हाँ, और इधर 6 × -22 किए, देखते हैं -12 -132 हो गया, यहाँ पर 14 × 12 -132 दोनों मेरा बराबर है, ठीक है। जब मेरा दोनों बराबर हो गया देयरफोर -2/6 and -22/66 इज एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है, आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं, ये आप खुद से बनाओगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये आपका क्विज हो गया। भैया जी ये आप क्विज पहले लिख के रखे थे, हमको पता था ऐसा कुछ होने वाला, लेकिन हम सोच रहे थे आपके क्वेश्चन लिखिए तो लिखिए का है, हाँ क्विज में 2-2, 4-5 क्वेश्चन ही मात्र क्विज है, ये ना चलो 2 क्वेश्चन अपने मैं अपने मन से देता। आप बताओगे -6/0 क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, और यहाँ पर -6 कौन कौन सी संख्या है, 0 कौन कौन सी संख्या, ये लिखोगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपका ये बताना है रेशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है, रेशनल नंबर है या नहीं है ये बताना है, और -2/3 जो है क्या ये मेरा फ्रैक्शन है ये बताना है आपको, ठीक, ये मेरा फ्रैक्शन है कि नहीं ये बताना है, और यहाँ पर -2 कौन कौन सी संख्या है और 3 कौन कौन सी संख्या है ये बताना है। टोटल 7 क्वेश्चन हो गया, आपका क्विज भी हो चुका है, और आपका ये सब हम लोग सीख भी चुके हैं। हाँ भैया एक ये भी सीख ही दो, इसका हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे, तो -5 × 84 करेंगे, फिर यहाँ पर फिर इसका इसके साथ गुना करेंगे, -7 × -60 करेंगे। अब देखते हैं यहाँ -84 है, हाँ भैया गुना कर रहे हैं, हाँ 2 को माइनस है, गुना में अगर 2 को माइनस रहेगा वो प्लस में कन्वर्ट होता। अब 5 × 84 करेंगे, 5 × 20 = 0, बाकी 2 5 × 40 = 42 हो गया। अब यहाँ पर माइनस गुना में -2 है, ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया, 7×42 = 420 हो गया, दोनों मेरा बराबर है, देयरफोर -5/-7 and -60/-84 इज एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आराम से आप बना सकते हो, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगा, और आपका प्यारा सा होमवर्क हो गया, यहाँ से होमवर्क आपका प्यारा सा क्या था 4A या 5A, मैं देखूंगा आपको बनाने का, मैं देखूंगा क्या है क्या नहीं है, पर आप तो फिर देख के मुझे बता देना भैया कौन सा एक्सरसाइज। अब मैं चला सोने, ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में, मेरे ख्याल से आप सब कुछ अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे, और 4A का लगभग बन ही जाएगा, जो नहीं बनेगा वो अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे, और बड़े आसानी से क्लास कंप्लीट होने वाला, ठीक है, बिकॉज हम लोग फ्रैक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें उतना समय नहीं लगने वाला, ठीक, जो 3 क्लास लग गया हम लोग का वो सिर्फ और सिर्फ संख्या को पहचानने में लगा, कौन सी संख्या फ्रैक्शन है, कौन सी संख्या रेशनल नंबर है, सिर्फ उसी को समझने में हम लोग जो है ना समय को बिता दिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन पढ़े हुए, इस बात को समझ के चलो, मिलते हैं अगले क्लास में, ओके भैया, ठीक।